नमस्कार, मेरा नाम परमार भूमि है। मैं श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी संलग्न एसपीटी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज गोधरा में टीवाईबीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हूँ। हमने हमारे इतिहास से जुड़े कई सारे चमत्कारों के बारे में सुना ही होगा। उनमें से एक है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के गोधरा शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर अहमदाबाद हाईवे पर टुआ गांव। पाटक के पार सबसे पहले दाई तरफ जाने वाला रास्ता गर्म पानी के कुंड की तरफ जाता है। आगे बढ़ते सबसे पहले एक शिव मंदिर है और उसके आसपास कई और देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। यह है रामजी मंदिर, जहां पर तमाम लोग अपनी आस्था की वजह से खींचे चले आते हैं। यह मंदिर कहा जाता है कि रामायण समय का प्रतीक है। यहाँ पर आने का एक और बड़ा कारण है यहाँ पर मौजूद गर्म ठंडे पानी के कुंड। सीढ़ियाँ उतरते ही बाई तरफ गर्म ठंडे पानी के कुंड मौजूद है, जिसे राम कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड 5,500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर कुल 108 कुंड है, जो राम भगवान ने सर्वंग ऋषि को चर्म रोग से मुक्त करने के लिए धरती पर बाण चलाए थे। जहाँ जहाँ बाण गिरा वहाँ पर गर्म पानी आने लगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि आसपास होने के बावजूद भी सभी कुंड के पानी का तापमान अलग अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर गर्म पानी से स्नान करने से चमड़ी के रोग दूर होते हैं। यहाँ पर लोग पिंडदान के लिए भी आते हैं। रोजाना यहाँ पर 300 से 500 भक्त दर्शन तथा गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। श्रावण मास के दौरान यहाँ पर भारी मात्रा में भक्त आते हैं। श्रावण सुद 11 भीम 11 को यहाँ पर बड़ा मेला होता है। बीच में उपस्थित चार कुंड का पानी बाकी कुंड की तुलना में अधिक गर्म है। यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडव भी यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। यहाँ पंचमहाल जिले के गोधरा तालुका से 20 किलोमीटर के अंतर पर ये टुहा नाम का गांव है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है और यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहाँ पर ठंडा गर्म पानी के कुंड है। वो कुंड में नहाने से चर्म रोग मिटता है। यहाँ से आगे बढ़ते ही सोमनाथ महादेव मंदिर है। द्वापर युग के दौरान
यहाँ पांडव शिवजी की पूजा करते थे, इसलिए यहाँ कई सारी शिवलिंग मौजूद है। यहाँ पर सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर है, जो कहा जाता है कि पांडवों को शिवजी ने यहाँ पर स्वयं दर्शन दिए थे। મારું નામ વિપુલગીરી ભરતગીરી મહંત છે અને અહીંયા આગળ ચાર પેઢીથી અહીંયા પૂજા કરી રહ્યા છે। આ જગ્યા મૂળ સર્વંગ ઋષિનો આશ્રમ કહેવામાં આવે છે। એ ઋષિને કોડ નીકળ્યા હતા, સફેદ દાગ કે ને, એ કોડ મટાડવા માટે આ રામ ભગવાને અહીંયા આગળ બાણ મારીને પાણી કાઢ્યું હતું, તો એ ઋષિ આ પાણીથી નહ્યા, એમને કોડ દૂર થઈ ગયા। તો આજ બી કોઈ બી અહીંયા આગળ માનતા માનીને નાય, એને કોઈ બી ચામડીના રોગ હોય, કોર, કરોડિયા, ખુડલી, ખરજો, અહીંયા નાવાથી મટી જાય છે। અહીંયા રહેવાનું માતમ છે નાવાનું, જેને ચામડીના રોગ હોય, જેવી જેને શક્તિ શ્રદ્ધા, પાંચ રવિવાર, અગિયાર રવિવાર, એકવીસ રવિવાર એ રીતે માનતા માનીને નાવું પડે, એને ચામડીના રોગ દૂર થઈ જાય છે। અહીંયા ખાસ જે ચામડીના રોગવાળા હોય એ રવિવારે વધારે આવે છે, અને એ રામાવતારનું કહેવામાં આવે છે, આ પાંડવતારનું કહેવાય। જે પાંડવોને નિયમ હતો કે શિવજીની પૂજા કરે છે, ભોજન નહીં કરો, તો આ સ્થાન પર એ લોકો શિવલિંગ બનાવીને પૂજા કરતા, ત્યારે આ લિંગ સ્વયં એની આપે પ્રગટ થયેલું છે। અહીંયા ભીમે વિડંબા સાથે લગ્ન કર્યા હતા, એ લગ્નનો માંડવો છે અને એની પ્રમાણરૂપ ભીમના પગલાં બી આવેલા છે। સામે કી તરફ કઈ ઓર દેવી દેવતાઓ કે મંદિર હૈ। यहाँ पर एक स्तंभ मौजूद है, जो कहा जाता है कि यहाँ पर साफ मन से सिक्का लगाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। प्राचीन काल में पूरा पंचमहाल जिला हिडिंबा वन कहा जाता था, और यहाँ पर भीम तथा हिडिंबा की शादी हुई थी। भीम की शादी का मंडप है, जो उस समय पत्थर से बनाया था। यहाँ पर भीम के पैरों के निशान है। मंदिर के पीछे की तरफ कुंती माता का रसोई घर तथा एक कुआं मौजूद है। यहाँ पर मंदिर के आसपास कई सारी पत्थर में बनी हुई प्राचीन कला मौजूद है। यहाँ पर कई बार वैज्ञानिकों द्वारा
खोज की गई कि यहाँ पर आने वाला गर्म पानी विज्ञान से क्या संबंध रखता है। उनमें से ही एक 2019 में किए गए प्रयोग के अनुसार मालूम हुआ कि यहाँ की मिट्टी तथा पानी में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उपस्थित है जो ज्यादा तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। पानी का तापमान करीब 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक है तथा मिट्टी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस है। कुल 48 कॉलोनी को कल्टीवेट किया गया जिनमें 25 ग्राम पॉजिटिव, 19 ग्राम नेगेटिव और 4 ग्राम वेरिएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए। ज्यादातर कॉलोनीज पिगमेंटेड मिली। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI के अनुसार कुल 25 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया। उनमें से ज्यादातर बैसिलस सब्टिलिस का प्रमाण है। यह बैक्टीरिया बेसिट्रिसिन कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो चमड़ी के रोग के लिए दवाई रूप है। इसी वजह से यहाँ के पानी से स्नान करने से चमड़ी के रोग दूर होते हैं। मिट्टी का रंग काला है जो सल्फर अथवा सल्फेट के अधिक मात्रा में होना बताता है। इनमें पाए जाने वाली वनस्पतियाँ कुछ इस प्रकार की है। यह पूरी ऐतिहासिक जगह कुल 2.5 एकड़ जमीन में विस्तृत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी को जानकारी एवं जगह पसंद आई होगी। धन्यवाद।